अगर आप एक बेन 10 फैन हो तो आप यह जरूर सोचते होंगे कि बेन का स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन कौन सा है। तो गाइस, स्वागत है आप सबका सुपर डुपर हिंदी में, और आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ बेन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लिस्ट में हमारी नंबर 10 पे एलियन है स्वॉर्म फायर। स्वॉर्म फायर अपने हाथों से पावरफुल फ्लेम रिलीज कर सकता है अगर उसे कंपेयर किया जाए हीट ब्लास्ट से। इसके अलावा स्वॉर्म फायर में है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड रीजनरेशन फैक्टर, जिसकी हेल्प से वो अपनी बॉडी के किसी पार्ट से ग्रो कर सकता है। अगर एबिलिटीज की बात करें तो स्वॉर्म फायर के पास है फायर जनरेशन, मीथेन प्रोजेक्शन, स्लीपिंग स्पोर्ट्स, सीड जनरेशन, एडहेसिव मड, रीजनरेशन फैक्टर, इलास्टिसिटी, बॉडी अल्टरनेशन। लिस्ट में नंबर 9 पे एलियन है ह्यूमंगसॉर। अगर ह्यूमंगसॉर की बात करें तो ह्यूमंगसॉर अपने साइज को बड़ा कर सकता है, जिसके साथ उसे मिलती है सुपर स्ट्रेंथ। ह्यूमंगसॉर बेन 10 के शुरू के एलियंस में से एक स्ट्रॉन्ग एलियन है जो बेन को टफ बैटल्स में हेल्प करता है। ह्यूमंगसॉर की एबिलिटीज की बात करें तो उसके पास है एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस एजिलिटी, एनहेंस जंपिंग, साइज ऑल्टरनेशन, पावरफुल रोल, लिमिटेड स्पेस सर्वाइबिलिटी। लिस्ट में नंबर 8 पे एलियन है डायमंड हेड। डायमंड हेड की पूरी बॉडी बनी है डायमंड से, जिसे हराना बहुत ही मुश्किल है। डायमंड बॉडी होने की वजह से वो हीट बीम या एनर्जी बीम को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और अपने डायमंड बॉडी की हेल्प से वो बॉल, स्वॉर्ड या कोई भी वेपन में कन्वर्ट कर सकता है। अपनी इमेंस ड्यूरेबिलिटी की वजह से डायमंड हेड विलगेक्स को भी हरा चुका है। अगर एबिलिटीज की बात करें तो डायमंड हेड के पास है क्रिस्टलाइन कंस्ट्रक्ट, शेड प्रोजेक्टाइल, एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल, वेपन मैनिफेस्टेशन, रीजनरेशन, एनर्जी एब्जॉर्वेशन एंड और भी बहुत कुछ। लिस्ट में नंबर 7 पे है अपग्रेड। अपग्रेड की बात करें तो अपग्रेड एक ऐसा एलियन है जो किसी भी वेपन, व्हीकल या एलियन को कवर करके उस पर अपना कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वो किसी भी चीज को अपग्रेड कर सकता है। अपग्रेड एनर्जी बीम यूज कर सकता है। अगर उसकी एबिलिटीज की बात करें तो अपग्रेड के पास है एनर्जी बीम, शेप शिफ्टिंग, इलास्टिसिटी, एनर्जी एब्जॉर्वेशन। लिस्ट में नंबर 6 पे है बिग चिल। बिग चिल की बात करें तो यह एक कोल्ड प्लेस पे रहने वाला एलियन है। बिग चिल किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है और फ्लाई कर सकता है। बिग चिल किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर सकता है, और यहाँ तक कि वो स्पेस और वाटर में भी सरवाइव कर सकता है। अब अगर उसकी एबिलिटीज की बात करें तो बिग चिल के पास है फ्रीजिंग ब्रीथ, आइस जनरेशन, फ्लाइट एबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, डेंसिटी शिफ्टिंग, अंडर वाटर एंड स्पेस ब्रीथिंग। लिस्ट में नंबर 5 पे है फीडबैक। फीडबैक एक एनर्जी एब्जॉर्वेशन एलियन है जो किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे वापस अपने एनिमी पे रिलीज कर सकता है। ये एलियन हमें सबसे पहली बार दिखा था बेन 10 ओमनीवर्स में। फीडबैक मेलवेयर को डिफीट कर चुका है, जो अपग्रेड का एक इविल वर्जन है। अगर फीडबैक की एबिलिटीज की बात करें तो फीडबैक के पास है एनर्जी एब्जॉर्वेशन, एनर्जी रिडायरेक्शन, एनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, जंपिंग, स्पीड, एनर्जी बॉल। लिस्ट में नंबर 4 पे है वेबिग। वेबिग अब तक का बेन का सबसे बिग एलियन है। वेबिग के अंदर इतनी ताकत है कि वो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वेबिग को हमने पहली बार देखा था बेन 10 की मूवी बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स में, जिसमें बेन को खुद ओमनीट्रिक्स क्रिएटर एस्मद ने दिया था। अगर वेबिग की एबिलिटीज की बात करें तो वेबिग के पास है एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, कॉस्मिक रे, स्पेस सर्वाइबिलिटी, एनहेंस स्पीड। लिस्ट में नंबर 3 पे है क्लॉकवर्क। क्लॉकवर्क यूनिवर्स के टाइम को कंट्रोल कर सकता है, और ये एलियन एक्स के बाद ऐसा दूसरा एलियन है जो टाइम को कंट्रोल कर सकता है अपने हिसाब से। क्लॉकवर्क टाइम को रिवर्स कर सकता है या उसको आगे भी बढ़ा सकता है। अगर उसकी एबिलिटीज की बात करें तो क्लॉकवर्क के पास है टाइम मैनिपुलेशन, एनहेंस स्ट्रेंथ, स्पेस सर्वाइबिलिटी। लिस्ट में नंबर 2 पर है एटोमिक्स।
एटोमिक्स बैन का एक ऐसा एलियन है जिसका डीएनए सैंपल और प्लैनेट अननोन है। एटोमिक्स ह्यूज अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज कर सकता है जो कि सराउंडिंग्स को बहुत डैमेज कर सकता है। एटोमिक एक्स में इतनी पावर है कि उसने एल्विडो के अल्टीमेट ह्यूमंगस सॉर को एक पंच में ही किकआउट कर दिया था। अगर उसकी एबिलिटीज की बात करें तो उसके पास है एटोमिक ब्लास्ट, लाइट एनर्जी, फ्यूजन एनहेंस मैनिपुलेशन, फ्लाइट, एनहेंस स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी। लिस्ट में नंबर वन पे है एलियन एक्स। एलियन एक्स एक ओमनीपोटेंट एलियन है जो टाइम, स्पेस, रियलिटी पर कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी मर्जी से यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। एलियन एक्स को हमने पहली बार देखा था बेंटन एलियन फोर्स में। एलियन एक्स में तीन पर्सनैलिटीज है। नंबर वन सेरिना, द वॉइस ऑफ लव एंड कंपेशन। नंबर टू पेलिसिस, द वॉइस ऑफ रेज एंड एग्रेशन। नंबर थ्री बैन, द वॉइस ऑफ रीजन। तीनों पर्सनैलिटी के कंबाइन होने पर ही एलियन एक्स बनता है। एलियन एक्स को कंट्रोल करने के लिए तीनों पर्सनैलिटीज को किसी एक डिसीजन पे एग्री करना होगा, तभी एलियन एक्स वर्क कर पाएगा। तो गाइस, ये थी मेरी बेन 10 की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन वीडियो। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पता करना है कि ऐश और रेड में से कौन स्ट्रॉन्ग है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए, और अगर पता करना है कि ऐश क्यों कोई पोकेमॉन लीग नहीं जीत पाया तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।